हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइस, आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो पहले तो अपने पुराने लॉफ्ट के कबूतर खोलते हैं, उसके बाद अपने न्यू लॉफ्ट में भी चलेंगे, कबूतरों को दिखाएंगे। जो मेडिसिन दी थी उसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है हमारे पास। एक बंदे ने कमेंट भी किया था उसका मेडिसिन का। तो गाइस, बंदे ने कमेंट किया था जो कि रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आया था। और ये देखो, मौसम काफ़ी मस्त हो रखा है और सुबह सुबह अपने यहाँ बारिश हो गई है। और टाइम देख लो एक बार, 8:35 हो रहे हैं। और ये देखो, मौसम काफ़ी मस्त है। और बाकी हमारे दोस्त ने 3 कबूतर उड़ा रखे हैं, काफ़ी ऊंचे लग गए हैं अभी तो फिलहाल। ये देखो उड़ रहे हैं। तो हम भी अभी अपने न्यू लॉफ्ट से 2 पट्टे निकाल कर उड़ाने वाले हैं। पहले खोलेंगे अपने पुराने लॉफ्ट के कबूतर, उसके बाद उड़ाकर भी दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं, चलो। ये देखो, सामान को अभी हटा देते हैं साइड में। तो अपना भाई सामान को हटाने लग रहा है। और ये देखो, मैंने बोला था पिछले ब्लॉग में, ये देखो पुराने लॉफ्ट पे काफ़ी प्रिंट छूट गई है इधर से उधर, तो हम इस पर कलाई भी करने वाले हैं। तो आपको गुड न्यूज बताने का टाइम आ चुका है, तो चलते हैं अभी खुड्डे के अंदर। तो अपना भाई खुड्डे के अंदर जा रहा है। तो आ चुके हैं अपने पुराने लॉफ्ट में, देख सकते हो। तो हमारी जो गीता है वो देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से अंडे सेक रही है। और हमारे जो कबूतरी है वो अंडे नहीं देती थी, देख सकते हो। जो पानीपत से मेरा भाई जोड़ा लेके आया था, इसने एक अंडा धर दिया है। अभी आपको दिखाते हैं, देखो ये रहा, एक अंडा कल धर देगी ये। तो हमने जो अपना पंजाबी कबूतर है उसका जोड़ा देख सकते हो, नई वाली कबूतरी के साथ लगा दिया गया है। और जो हमारा ब्लैक वाला कबूतर है उसको हमने न्यू लॉफ्ट में शिफ्ट कर दिया है, वो कबूतर और उसका बेबी। तो चलो आपको वो कबूतर बाद में दिखाते हैं, पहले अपने पुराने लॉफ्ट के कबूतरों को खोलते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको। दोस्तों, आपने फिलहाल सारे पट्टे खोल दिए हैं, देख सकते हो मस्त चुंगरे होते हैं जो अपने पुराने लॉफ्ट के थे। देखो इधर से उधर टहर रहे हैं, मस्त टहरने देते हैं। तो अब चलते हैं पुराने लॉफ्ट के अंदर, उसका बेबी दिखाने वाले हैं। मसक्कली का बेबी काफ़ी बढ़िया हो चुका है, तो अभी दिखाते हैं। पूरा कबूतर पे गया है, कलसरा कबूतर था और कलसरा बेबी है उसका। चलो दिखाते हैं आपको, चलो आइए। ये देख सकते हो, ये बैठा है बेबी, कलसरा बेबी है, काफ़ी बढ़िया है। देखो पूरा कबूतर पर गया है। और अपनी देखो सीता गीता मस्त मगन होकर अंडे सेक रही हैं। और ये देखो, ये बैठा है बेबी आराम से। तो चलते हैं अभी फिलहाल बाहर। तो अपने कबूतर तो मस्त टहल रहे हैं, ये देखो इधर से उधर काफ़ी बढ़िया सेट हो रखे हैं, कोई भी कबूतर बीमार नहीं है। फिर कुछ कबूतर तो अपने अंडे रखवाने पे पीछे पड़ गए हैं कबूतरियों को, देख सकते हो इधर से उधर। कुछ कबूतर अंडे रखवा देंगे, और मेरे भाई ने इधर जो ईंट फोड़ रखी थी वो गाड़ दी है, देख सकते हो काफ़ी छोटी छोटी कर दी है टुकड़ों में। और ये देखो, न्यू लॉफ्ट के कबूतर काफ़ी उतावले हो रहे हैं दाने के लिए, देख सकते हो जाल पर आ रहे हैं बार बार। और ये देखो अपना कैसे घुटाक रहा है कबूतर, गोल्डन में है। देखो देखो, ये पंजाबी का बेबी है, माइकल है इसका नाम। और देखो काफ़ी बढ़िया घुटक रहा है। तो हमने जैसे ही अपने कबूतर खोले, तैसे ही देख सकते हो मोर भाई भी आ चुके हैं, अपने पर सुगा रहे हैं, ये देख सकते हो। और हमारे कबूतर भी देख सकते हो काफ़ी फिलहाल टहल रहे हैं इधर से उधर। और काफ़ी कबूतर देख सकते हो घुटक भी रहे हैं, वो हमारा बच्चा है गोल्डन में, वो भी देख सकते हो घुटक रहा है। और देख सकते हो हमारा जो पंजाबी है इसका जोड़ा डाल रहे हैं हम नई कबूतरी के साथ, जो कि देख सकते हो ये रही। तो जो मसक्कली का बेबी है उसका स्वैप कराते हैं आपको, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया बेबी है, अभी आपको स्वैप कराते हैं। तो चलो देख सकते हो ये रहा, देखो काफ़ी परिंद हो चुका है, कलकुंदे टाइम में है ये। इधर भी देखो कलकुंदा है, स्वैप करो इसका, पंजे दिखा, देखो काले नाखूनों में है, काफ़ी बढ़िया बच्चा है ये, छोड़ दो इसको। अब वो कबूतरी है जो कि हमने अपने दोस्त से ली थी दुबाल वाले कबूतर पे जोड़ा डालने के लिए, उसका भी शौक कराते हैं आपको। ये रही, देखो इसके पर उखाड़ दिए हैं, नए पर आ रहे हैं। ये भी देखो, कलर भी लगा दिया है दोस्त ने, इसका शौक करो, इसके भी पंजे दिखाओ, काले नाखूनों में देख सकते हो दोस्तों, पूंछ भी देख सकते हो इसकी, उखाड़ दी थी वो भी जम रही है, इसको भी छोड़ देते हैं। तो फिर का चलो दोस्तों, अब अपने कबूतरों को जो दाना है वो डालते हैं। तो चलो मेरा भाई लेने गया है अभी दाने को, उसके बाद डालते हैं इनको कबूतरों को। तो लेके आ चुका है दाना, देख सकते हो ये अंडे के लिए बनाई है हमने, देख सकते हो इसमें मिट्टी लगा दी है जो कि हमारे कबूतर अंडे दें इसमें रख दें, इसको साइड में रख दो। तो फिर क्या दोस्तों, अभी हमारा भाई दाना डाल रहा है, इनको डालो।
तो दोस्तों हमने अपने कबूतरों को दाना डाल दिया गया है और देख सकते हो जो पानी है वो रखेंगे नहीं अभी, क्योंकि हमारे कबूतर जो कि जल्दी पानी रख देते हैं बीमार पड़ जाते हैं, इस वजह से पानी को अभी रखेंगे नहीं। और इस वजह से हम अपने कबूतरों को जल्दी पानी रखने वाले नहीं हैं, थोड़ी देर इनको टहनने देते हैं कम से कम 10-5 मिनट, और दाना भी इतनी जल्दी नहीं डालें, इनको एक बार दाना डाल के दूसरी बार दाना डालें तो 10-5 मिनट रुक कर दाना डालें तो अभी कबूतर बीमार नहीं पड़ेगा। और हमने पिछले ब्लॉक में इसकी मेडिसिन बता दी है आप यूज़ करने उसको, तो देख सकते हो अभी सारे कबूतर फिलहाल ठीक ही हैं हमारे। दोस्तों अपने कबूतरों ने दाना पानी चुनकर एकदम रेडी हो गए हैं और पानी भी कुट दिया है हमने देखो, और पीकर भी एकदम सारे कबूतर रेडी हो गए हैं। तो अब इनको बंद करने का टाइम आ चुका है, तो अभी चलते हैं बंद करने की तरफ। तो आइए चलते हैं, इनको करते हैं बंद अब। चलो 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 तो दोस्तों अपने पुराने लॉफ्ट के सारे कबूतर कर दिए हैं बंद, अब चलते हैं फिलहाल न्यू लॉफ्ट की तरफ। तो अपना भाई चल दिया है, तो चलते हैं अभी लॉफ्ट के अंदर। तो यहाँ देखो सारे पट्टे मस्त बैठे हैं, कुछ अपने डंडे पर बैठे हैं और ये देखो कुछ खुटी पर भी है, और ये रहे। दोस्तों आप आ चुके हैं अपने न्यू लॉफ्ट में, न्यू लॉफ्ट में आकर देखा जो ब्लैक वाला कबूतर है वो कहीं भी नहीं दिख रहा था। देखो दोस्तों जो पट्टे हैं 2-3 वो दिख रहे थे, तो मैंने तभी अपने भाई से पूछा वो ब्लैक वाला कबूतर किधर है, तो भाई ने बोला वो ब्लैक वाला कबूतर इसके नीचे है जो जाल के नीचे बंद कर दिया गया है। भाई दिखाओ ये रहा, मैंने भाई से पूछा क्यों बंद कर दिया, तो भाई कह रहा था जो हमारा दो आज कबूतरी है ये वाली इसके साथ जोड़ा लगा रहा था इस वजह से बंद कर दिया है। मैंने कहा ठीक है, तो अभी दोस्तों देख सकते हो अपने सारे पट्टे ठीक हैं। तो अपने जो ब्लैक वाले पट्टे हैं दो, इनको उड़ा के दिखाएंगे आपको, तो चलो पहले इनको निकाल लेते हैं। तो जो ब्लैक वाला हमने नया बेबी डाला था उसका स्वैप कराते हैं चलो। तो देखो ये रहा, काफ़ी बढ़िया बेबी है, इसका स्वैप करो। अभी इसकी आंख भी नहीं खुली है, देखो दोस्तों इसके पंजे दिखाओ, काले नाखूनों में है, काफी प्यारा बेबी है देखो। तो दोस्तों जो ब्लैक वाले बेबी हैं उनको भी उड़ाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलो तो अभी आ चुके हैं अपनी दूसरी छत पर, जो ब्लैक वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हो काफ़ी अच्छे उड़ रहे हैं ये रहे, और देखो मोर भाई भी बैठे हुए हैं उधर ये देखो, और जो ब्लैक वाले बेबी हैं वो काफ़ी अच्छे उड़ रहे हैं देख सकते हो ये रहे, दोनों के दोनों टाप पे ले लेके उड़ते हैं ये दोनों, ये देखो टाप पे ले लिए। दोस्तों हमें कबूतर बाजों वाली फीलिंग आने लग गई, देख सकते हो मेरा भाई सीटी भी बजाने सीख गया है देखो, और जो अपने ब्लैक वाले पट्टे हैं वो काफ़ी मस्त उड़ रहे हैं देख सकते हो टाप पे ले लेके ये रहे। दोस्तों हमने जो कि ब्लैक वाले बेबी उड़ाए थे उनको उड़ने देते हैं, देखो काफ़ी मस्त उड़ रहे हैं। तो अपने न्यू लॉफ्ट में जो छतरी लगाई थी उनके ऊपर काफ़ी बीट चिपक गई है, तो फिर क्या उसको सफा करने का टाइम आ चुका है, मेरे भाई ने 1.5 लाख वाली कन्नी ले ली है। तो चलते हैं लॉफ्ट के अंदर, तो ये देखो काफ़ी बीट आ गई है छतरी के ऊपर, इसको साफ कर देते हैं, देखो साफ हो जाएंगी काफ़ी मस्त लगने लग जाएंगी, ये देखो साफ कर रहा है मेरा भाई, काफ़ी गंदगी है दोस्तों इस पर। तो देख सकते हो इस वाली छतरी पर काफ़ी गंदगी निकल रही है, बीट जो कि चिपकी हुई है, तो अभी चलते हैं दूसरी छतरी पर देख लेते हैं, ये देखो इस पर भी बीट बैठी हुई है काफ़ी चिपक गई है, और ये देखो अपना दुबाज जो कि सोनू और मोनू है ये, और ये देखो सोनू बैठा है और मोनू किधर गया, ये रहा नीचे ये बैठा है अपना मोनू, ये देखो कर लिए काफ़ी लेट उतर के आया है जो कि काफ़ी देर तक उड़ाया है ये। दोस्तों जो हमने अपने ब्लैक वाले पट्टे उड़ाए थे वो उतर कर आ गए हैं, देखो हमने छतरी भी लगा दी है इस पर बैठे हैं आराम से। तो दोस्तों चलते हैं अब पुराने लॉफ्ट न्यू लॉफ्ट के अंदर, देखते हैं छतरी साफ हुई या नहीं, तो आइए चलते हैं। ये देखो मेरा भाई छतरी साफ कर रहा है, और देखो इसने दोस्तों इसने छतरी साफ कर भी दी, देखो काफ़ी मस्त चमकने लग गई है छतरी, काफ़ी भीड़ थी इन पर ये देखो, और ये वाली भी देख लो
इस पर भी काफी भीड़ थी, काफी चमकने लग गई। और ये देखो अपनी मौसा कली का बेबी है, काफी बढ़िया है। ये देखो सिलकटा बेबी है ये, ये देखो ये गया और छतरी चमकने लगी। और ये देखो खुड्डे के अंदर काफी भीड़ भी हो रखी है, पर भी हो रखे हैं। इसको अपने नेक्स्ट ब्लॉक में सफा करके दिखाएंगे आपको। और ये देखो अभी तो फिलहाल देख सकते हो ब्लैक वाले पट्टे उतर के आ चुके हैं, हम इनको लॉफ्ट में बंद करते हैं। ये देखो दोनों के दोनों पट्टे गए लॉफ्ट में, काफी प्यारे पट्टे हैं दोनों। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम अपने न्यू लॉफ्ट के अंदर, तो इनको डाइट रखने का टाइम आ चुका है। ये देख सकते हो काफी उतावले हो रहे हैं डाइट रखने के लिए। तो फिर क्या मेरा भाई दाना लेकर आ गया है, और ये देखो कोट भी दिया, दाना रख दिया इनका, और ये आराम से चुनते रहेंगे। तो अभी चलते हैं, सारे पीजन आ गए अपने सारे पट्टे। और ये देखो कैसे भुटक रहा है, हमने इसका इसलिए जोड़ा हटाया था जो कि हमने ये देखो दुबाज के साथ लगा रहा था अपने। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने न्यू लॉफ्ट से बाहर। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो कर देना प्यारी सी एक लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।